गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज संडे सुबह सुबह क्लास हमारी बच्चों यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अंकित यस गुड मॉर्निंग गर्वेद गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग एवरी वन सो इफ यू रिमेंबर जब ये अकाउंटिंग प्रोसेस हमने देखे थे तो रिकॉर्डिंग वाली जो स्टेज होती है बच्चों ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज जो ट्रांजेक्शन होती है उसको हम रिकॉर्ड करते तो जो रिकॉर्डिंग वाली हमने अभी तक की क्या सीखे जर्नल सीखे जर्नल एक बुक होती है, जिसमें आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते और ट्रांजेक्शन को हम जो रिकॉर्ड करते बच्चों दो तरीके से सोच सकते पर्सनल रियल नॉमिनल और एक मॉडर्न अप्रोच से आप कोई भी तरीके से सोचो जिसमें आप कंफर्टेबल रहे आना दोनों चाहिए लेकिन दोनों तरीके से आप सोच के एंट्री फॉर्म कर सकते हैं लेकिन क्या है ये बिजनेसमैन के पास जरूरी है कि सिर्फ एक ही बुक यहां पर मेंटेन करी मतलब सिर्फ जर्नल मेंटेन करी जरूरी नहीं है अगर कोई बिजनेसमैन कहता है कि नहीं मेरे को यहाँ पे जर्नल है उसके अलावा मुझे और एक बुक मेंटेन करना है अब हम नेक्स्ट वाली बुक बुक पे आते कैश तो उसको लगता है कि नहीं जर्नल के अलावा एक और बुक है कैश बुक लेकिन कैश बुक क्यों मेंटेन करता हूँ बिजनेस मैन तो वो कहता है कि नहीं मेरे ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ गए जब आप जर्नल में सारे के सारे ट्रांजेक्शन लिखते हो इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन भी तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन में लिखते हो और फिर उससे मैं आगे सीखेंगे हम लोग कि जर्नल में से फिर अपने अकाउंट में लिखते हैं तो वो कहता है कि मेरे को नहीं बिजनेस बढ़ गया बहुत ज्यादा बढ़ गया और कैश ट्रांजेक्शन मेरे बिजनेस में बहुत होते तो बिजनेस की ग्रोथ भी बहुत हो रही तो मेरी कन्वीनियंस के लिए कंपल्शन नहीं है बिजनेस मैन कहता है मेरी कन्वीनियंस के लिए मैं जर्नल के अलावा और एक बुक मेंटेन करना चाहता हूं उस बुक को हम कहते हैं कैश बुक आज हम लोग जो शुरू करेंगे हमारा डिस्कशन वो किससे रिलेटेड डिस्कशन हम लोगों का कैश बुक से रिलेटेड हमारा डिस्कशन है यहाँ पे सो कैश बुक को बिजनेस मैन मेंटेन करना चाहता है लेकिन जर्नल भी मेंटेन हो रही है और अब उसके साथ साथ कौन सी एक और बुक मेंटेन हो रही है कैश बुक मतलब अब मेरे पास दो बुक है एक मेरे पास जर्नल है एक मेरे पास जर्नल है और दूसरी बुक मेरे पास कौन सी कैश बुक है सो दो बुक है मेरे पास एक जर्नल है और एक दूसरी बुक मेरे पास कौन सी कैश बुक है तो मैं दो बुक मेंटेन कर रहा हूँ दो बुक मैं मेंटेन कर रहा हूँ और कैश बुक में सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे हमारे अलग अलग तरह की कैश बुक होती है उसके बारे में हम बात करेंगे सो so जनरली जो कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन आते वो आप लोगों के अभी कैश ट्रांजेक्शन बैंक और एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है उसमें डिस्काउंट के भी ट्रांजेक्शन आते अभी डिस्काउंट को थोड़ी देर यह बैंक को थोड़ी देर हम लोग साइड में रखते और हम ये बात करते कि जब ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ गया उस बिजनेसमैन के कैश में बहुत ट्रांजेक्शन हो रहे तो बिजनेस मैन ने चाहा कि मैं एक और बुक मेंटेन कर हूँ और इस बुक में ये बुक का नाम है जर्नल और ये बुक का नाम है कैश बुक तो मैंने कहा एक और बुक मैं मेंटेन कर हूँ अब इस बुक को मैं कहता हूं कैश बुक लेकिन सिर्फ जर्नल अगर मेंटेन करता था तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन सिर्फ जर्नल मेंटेन करता था तो सारे के सारे सारेक्शन हंड्रेड रहे थे जर्नल में रिकॉर्ड हो रहे थे लेकिन अब जर्नल के साथ साथ मैं एक और बुक मेंटेन करना चाहता हूं उसको कहता हूं मैं कैश बुक क्यों क्योंकि बिजनेस एक्सपांड हो रहा है बहुत से ट्रांजेक्शन मेरे बिजनेस के कैश में ट्रांजेक्शन है तो क्या होती है कैश बुक हम बात करेंगे लेकिन कन्वीनियंसी के लिए हम लोग के इस बुक के अलावा ये जर्नल के अलावा मैं और एक बुक मेंटेन और इस बुक को मैं क्या कहता हूं कैश बुक अभी कुछ कैश बुक में हम लोग अभी फिलहाल हम ये बात करेंगे कैश बुक में कौन से ट्रांजेक्शन लिखते है? कैश ट्रांजेक्शन लिखते हैं जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है वो बात अलग है कि, कि डिस्काउंट भी आता हूं आगे बात करेंगे <coughs> तो कैश बुक में मैं कैश ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं लेकिन अब क्या अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन होता है इस स्टेज पे अगर मैं बोलू कोई कैश ट्रांजेक्शन होता है तो क्या सर ये जर्नल में भी लिखू और कैश बुक में लिखू क्या नहीं अब जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो आप ये जो आपको बुक दिख रही है स्क्रीन पे जर्नल जर्नल कैश कैश बुक 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 उसके बाद भी भी आगे बात हो। भी बात होगी अभी फिलहाल हम की तो जब कोई होता है या तो जर्नल में आएगा या तो कैश बुक में अभी फिलहाल अगर मैं दो बुक की बात करूं तो कैश बुक में मेरे कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे कैश बुक में मेरे कैश ट्रांजेक्शन आ रहे और बचे हुए सारे ट्रांजेक्शन मेरे जर्नल में आएंगे क्या काम मैंने कैश अगर मैं दोनों बुक मेंटेन कर रहा हूं दोनों बुक अगर मैं मेंटेन कर रहा हूं जर्नल भी दोनों बुक अगर मैं मेंटेन कर रहा हूं जर्नल भी मेनटेन करो साथ में क्या मेंटेन कर रहा हूं कैश बुक मेंटेन में तो मेरे सारे कैश के ट्रांजेक्शन किस में आएंगे कैश बुक में आएंगे कैश के ट्रांजेक्शन किस में आएंगे कैश बुक में आएंगे और बचे हुए ट्रांजेक्शन कहाँ पे आएंगे मेरे जर्नल अगर मैं दोनों बुक मेंटेन करूँ सिर्फ जर्नल हमने देखे कल हमने जब देखे थे कि हम लोगों ने पे जब जर्नल एंट्रीज पास किए थे तो जर्नल एंट्रीज जब आपने पास की थी जैसे कल की क्वेश्चन यहाँ पर देखो यहाँ पे ये यह दिखा है शुरुआत में आ गया ये दिख रहा है आपको कैश यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी ओके यहां देखो ये यह दिख रहा है आपको कैश यहाँ पे ये यह दिख रहा है कैश यहाँ पे ये यह क्यों इस जर्नल में कैश ही दिख रहा है आपको कैश ये कैश क्यों? इस जर्नल में जर्नल में कैश और बाकी सब क्योंकि आपने एक ही सिर्फ जर्नल मेंटेन करे थे तो सारे के सारे हंड्रेड परसेंट ट्रांजेक्शन जब आप एक ही जर्नल मेंटेन कर करें कोई और बुक मेंटेन नहीं कर रहे सिर्फ जर्नल मेंटेन कर रहे तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपके उस जर्नल में आएंगे लेकिन अगर आप कैश बुक मेंटेन करते हो सो तो कैश वाले ट्रांजेक्शन कहां पर आएंगे बच्चों कैश वाले ट्रांजेक्शन कहां पर आएंगे आपके कैश वाले ट्रांजेक्शन आएंगे आपके कैश बुक में कैश वाले ट्रांजेक्शन कहा आएंगे आप लोग कैश बुक में आएंगे और बचे हुए ट्रांजेक्शन आपके कहां पे आएंगे जर्नल में ये कब होगा जब आप दोनों बुक मेंटेन कर रहे हो तो कैश वाले ट्रांजेक्शन कैश बुक में और बचे हुए ट्रांजेक्शन जर्नल में अच्छा अगर कोई सिर्फ जर्नल मेंटेन कर रहे हैं तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन किस में आएंगे सिर्फ जर्नल में आएंगे अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे लेकिन आप लोगों की जो ये जर्नल होती है ये कैश बुक जो होती अलग अलग तरह की कैश बुक होती सारी कैश बुक हम लोग डिस्कस करेंगे और सब कैश बुक पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे एक होती है आप लोगों की सिंगल कॉलम कैश बुक एक कौन सी होती है आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक एक होती है आप लोगों की कॉलम दबल, डबल कॉलम कैश बुक डबल डबल कॉलम कैश बुक एक होती है आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक और एक होती है आप लोगों की पेटी कैश बुक पेटी कैश बुक So, इस तरीके से आप लोग कैश बुक भी अलग अलग तरह की होती है सो so, आज हम लोग कहाँ से शुरू करें? पहले हम शुरू करें सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब अब एक और एक अलग से बुक आ गई मतलब अब दो बुक हो गई ये जर्नल तो एक बुक है ही है साथ में एक और बुक आ गई इस बुक को हम कहते कैश बुक अब अलग अलग तरह की कैश बुक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक सो so, अलग अलग तरह की कैश बुक होती है बच्चों अलग अलग तरह की क्या होती है कैश बुक होती है और उसके साथ साथ क्या होती है अलग अलग तरह की हमारी कहती तो है कैश बुक होती है तो आज हम लोग पहले शुरू करें कैश सिंगल कॉलम कैश बुक से तो ये चीज ख्याल रखना अगर आपने कैश बुक में लिखी तो जर्नल में नहीं और कोई भी एक जगह आएंगे आप ही नहीं सोचोगे सोचोगे कि कोई ट्रांजेक्शन जर्नल में भी आएंगे और कैश बुक में नहीं ट्रांजेक्शन कोई एक ही बुक में होगा और अगर कैश से रिलेटेड है तो कैश बुक में आएगा उसके अलावा बचे हुए ट्रांजेक्शन कहाँ पे आएंगे जर्नल में सो so, यहाँ पे हम सिंगल कॉलम कैश बुक से शुरू करते हैं हम लोग आज हमारा कौन सा डे डे नाइन है डे नाइन हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक से शुरू करते हैं तो और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग होमवर्क कर रहे हो जो आपको होमवर्क दिया गया था पिछले सेशन में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन होमवर्क इट्स ओके यू हैव डेज आप वो होमवर्क करना और अगर उसमें कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो और आपके पास नंबर है वो डाउट वाला तो उसमें भी आप मैसेज ड्रॉप करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा सो so, यहाँ पे पहले मैं लिख लूँ आज है डे नाइन आज है डे नाइन ओके आज शुरू कर रहे हम लोग कैश बुक ओके कैश बुक हम लोग शुरू कर रहे और कैश बुक में कौन सा मैं पहले आपको बता रहा सिंगल कॉलम कैश बुक सो so, मैंने यहां पर लिखा सिंगल कॉलम कैश बुक अब सिंगल कॉलम क्या है जर्नल तो जर्नल तो हमने देखे किस तरीके से जर्नल बनता है डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो और डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट लेकिन किस तरीके से ये कैश बुक बनता है अब यहां पर कैश बुक की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मेट होता है उसका यहां पर इस तरीके से सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट ओके मैं पहले ड्रॉ कर लू फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं डेढ़ अब ध्यान से दो दो मिनट पेशेंस रखिए फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं ओके okay. ध्यान से आप आप मेरी बात ओके okay. अब अगर आप यहां पे देखें तो ये फॉर्मेट है आपका सिंगल कॉलम कैश बुक का मैं यहां पे देखता हूं कि जब मैंने यहां पे देखा सिंगल कॉलम कैश बुक हम देखे, तो एक साइड है आप लोग कौन सा डेट बहुत ही सिंपल होता है और फिर रिसिप्ट लेजर फोली लेजर फोली आपको मैंने बताया था ये हम लोग रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे अभी हम लेजर वाली स्टेज पर नहीं आए तो यहां से इन बुक्स में पहले लिखा जाता है फिर यहां से उठा के लेजर वाली स्टेज में लिखा जाता है वो लेजर वाली बुक एक अलग बुक होती है तो उसमें कौन सा पेज नंबर रेफरेंस के लिए पे एल एल एफ एफ इज लेजर फोलियो ओके okay. उसके बाद अमाउंट फिर डेट पेमेंट लेजर फोलियो अमाउंट तो बहुत सिंपल है ये जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते जब भी पैसा आया तो हमें रिसिप्ट साइड में लिखना है जब भी पैसा आया तो हमें रिसिप्ट साइड में लिखना है बेटा और जब भी पैसा गया तो हमें पेमेंट साइड में लिखना बड़ा सिंपल है ये हो गए हिंदी में को आवक और ये हो गए जावक जब भी पैसा आया तो हमें रिसिप्ट साइड में लिखना और जब भी पैसा गया तो हमें कौन से साइड में लिखना है पेमेंट साइड में लिखना है तो बहुत सिंपल है बच्चों जब भी पैसा आया तो किस साइड पे लिखना है हमको रिसिप्ट साइड में और पैसा जब भी गया कहां पे लिखना है पेमेंट साइड में इतना सिंपल हाँ हाँ इतना सिंपल है भाई इतना सिंपल तो बस इतना सा आपको ड्रॉ करना था ट्रांजेक्शन पढ़ना है जब भी रिसिप्ट हुई तो हमें रिसिप्ट साइड में लिखना है और जब भी पैसा पै, जब भी पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में जब भी पैसा गया तो किस साइड में लिखना है बच्चों पेमेंट साइड में लिखना है तो यहाँ डेट लिखेंगे पैसा कहां से आया वो लिखते हैं अपन यहाँ पे अमाउंट लिख देना है यहाँ पे वही डेट लिखेंगे पेमेंट कहां कहां जा रहा है वो लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे बड़ी सिंपल सी चीज है और आप ये आगे हम लोग बात सीखेंगे आप लोग कि जब हम लोग इस स्टेज पर आएंगे जब ये लेजर वाली स्टेज पर जब आएंगे जब ये लेजर वाली स्टेज पर जब हम लोग आएंगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से वहां अकाउंट बनते तो अकाउंट आप ना काफी कुछ काफी कुछ हमारा जो उसका फॉर्मेट रहता है वो ऐसा ही फॉर्मेट रहता है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना अकाउंट का फॉर्मेट काफी कुछ ऐसा ही रहता है ठीक है काफी कुछ ऐसा ही रहता है इसीलिए आप ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे जब कैश बुक बना लेते हो जब रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे आप कैश बुक बना लेते हो तो आपको लेजर वाली स्टेज पे फिर वो अकाउंट कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती तो ये पॉइंट और क्लियर होगा जब हम लेजर वाली स्टेज पे आएंगे और वहां पे जब अकाउंट्स आप देखोगे कि किस तरीके से लेजर वाली स्टेज में जो अकाउंट्स बनते वो कैसे बनते तो आपको ऑब्जर्व करोगे कि वो जो अकाउंट्स बनते वो कैश बुक ये जैसे जो फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दिख रहा है ऐसा ही वहां पर फॉर्मेट रहता है तो जब ऐसा ही फॉर्मेट रहता है तो वहां पे जो अकाउंट जो हमारा पर्पज सॉल्व करता है वो ऑलरेडी कैश बुक हमारा कै, यहां पे मतलब जो कैश अकाउंट आपको लेजर वाली स्टेज पे बनाने की जरूरत नहीं होती क्यों क्योंकि ये जो कैश बुक जो यहां पर बन रही ये हमारा लेजर का भी पर्पज सॉल्व कर देती है किसका पर्पज सॉल्व करती लेजर का ये पॉइंट आपको और क्लियर होगा जब आप लेजर वाली स्टेज पे होंगे वहां पे कैश अकाउंट जो भी अकाउंट आप देखोगे तो कैश अकाउंट में वहां बना भी लू लेजर वाली स्टेज पे वो इसी की तरह बनता है तो कैश बुक आपका दोनों रोल प्ले कर ले रहा है रिकॉर्डिंग वाली स्टेज का भी रोल प्ले कर ले रहा है और वो लेजर वाली स्टेज पे भी तो कैश अकाउंट वहां पर बनाने की जरूरत नहीं होती जब आप कैश बुक बनाते हो तो ये हम और डिस्कशन होगा जब हम लेजर पे आएंगे फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि जो हमने सिंगल कॉलम कैश बुक बोले तो दो साइड है एक है रिसिप्ट साइड दूसरा है पेमेंट साइड सर वहां पर तो आपने और बोले थे डबल कॉलम कैश बुक ट्रिपल कॉलम कैश बुक अलग अलग थी ना तो डबल ट्रिपल में आऊंगा पहले अभी सिर्फ किस पे आप सिंगल कॉलम कैश बुक पे तो ये रही हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक इस तरीके का फॉर्मेट होता है जब भी रिसिप्ट हुई रिसिप्ट साइड में जब भी पेमेंट हुआ पेमेंट साइड में लिखना है और ट्रांजेक्शन याद रखोगे अभी तो हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें कैश की ट्रांजेक्शन होंगे लेकिन हो सकता है एक हाथ कुछ कंफ्यूज कर करने दूसरे ट्रांजेक्शन भी दे लेकिन याद रखना कैश बुक में सिर्फ कैश के सिंगल कॉलम कैश में पे सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन हैं कैश के ट्रांजेक्शन अच्छा सर इसके अलावा कोई और ट्रांजेक्शन भी हो सकता है फॉर एक्जाम्पल आपने क्रेडिट में खरीदे कोई चीज तो आपने एंट्री पास करे डेटस डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट तो जब आपने क्रेडिट में खरीदे उधारी में सॉरी आपने बेचे उधारी में बेचे तो एंट्री पास करें डेटस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट और कहते हैं पार्टी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट उधारी में बेचे तो आपने अब ये एंट्री में तो कहीं पर भी कैश नहीं है हाँ सर कहीं पर भी कैश नहीं है अब कैश अगर आपका आए तो वो क्या कैश बुक में आएगा क्या कैश बुक में नहीं आएगा तो कैश बुक में सिर्फ कौन सी चीज आती है जो कैश आया या गया है वही कैश बुक में आएगा उसके अलावा और कुछ भी कैश बुक में नहीं वो कहां लिखेंगे फिर आपने जो जर्नल बनाया वो जर्नल में उसको लिखा करते अच्छा सिर्फ जर्नल मेंटेन करें तो सारे के सारे हंड्रेड परसेंट ट्रांजेक्शन कहां पर आएंगे आपके जर्नल में आएंगे ओके okay. So, अब हम लोग यहाँ पे हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर जो क्लास का क्वेश्चन विध रुपीज टेन थाउजेंड एक जुलाई को दस हजार रुपए विथ रुपीज टेन थाउजेंड ऑन फर्स्ट ऑफ जुलाई ट्वेंटी टू ऑफ ऑफ दिस ही पेज रूपीज नाइन थाउजेंड इंटू हिज बैंक अकाउंट अभी क्या हो कि उसने वहाँ पे बिजनेस शुरू किया और उसने बिजनेस में कितना लेकर आया दस हजार और उसमें से नौ हजार टू हंड्रेड सेकेंड कैश सेल वन फिफ्टी थर्ड रिसीव फ्रॉम गोपाल कैश एस एडवांस टू हंड्रेड ओल्ड टाइप राइटर थ्री हंड्रेड तो आपको ट्रांजेक्शन दिए पैसा आया गया वो लिखा हुआ और उसने हमको यहाँ पे यहाँ पे, पे लिखा हुआ नहीं आपको जस्ट वन मिनट ओके नहीं लिखा तो कोई बात नहीं यहाँ पे ऑन स्टार्टिजनेस ट्रांजेक्शन देखिए यहाँ पे नहीं लिखा तो आप लिख लीजिए प्रिपेयर सिंगल कॉलम आप लिख लो बुक में प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश हाँ तो अपने को क्या बनाना बच्चे यहां पे सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है ओके सिंगल कॉलम कैश बुक हमको यहां पे बनाना है सो so, आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे <coughs> यहां पे मैं शुरू करता हूं यहां पे नेक्स्ट पेज में शुरू करता हूं ओके सो यहां पे लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर फोर्टीन और पेज नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पेज नंबर एटीन ओके सो यहां पर आप पहले हेडिंग देंगे सिंगल कॉलम कैशबुक सिंगल कॉलम बुक इसको ड्रॉ करेंगे आप दस बारह लाइन का आप ड्रॉ करना ये डेट हो गई ये आपका रिसिप्ट ये आपका लेजर वाला अमाउंट फिर डेट पेमेंट का कॉलम फिर ये लेजर फोलियो और वो अमाउंट तो आप जैसे मैं लिख हूँ वैसे इसको अराउंड टेन से टेन टू ट्वेल्व लाइंस ड्रॉ करेंगे डेट रिसिप्ट लेजर फोलियो अमाउंट डेट पेमेंट लेज़र फोलियो, अमाउंट ओके okay, इसको आप ड्रॉ कर लेंगे बच्चों okay, ड्रॉ किया आपने दस से बारह लाइन का अब ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चन कि बिजनेस। बिजनेस शुरू किया दस हजार मतलब आया कि गया बस इतना सोचना बेटा तो आप आनंद जो है ओनर उसने बिजनेस में दस हजार रुपए लगाया स्टार्ट किया बिजनेस तो ओनर ने पैसा लगाया तो रिसिप्ट हुई बिजनेस में की पेमेंट हुई रिसिप्ट हुई सर तो कौन सी तारीख को एक जुलाई तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट ऑफ जुलाई ट्वेंटी टू एक जुलाई दो हजार बाईस को रिसिप्ट तो आपने यहाँ पे अमाउंट में लिखे दस हजार रुपए कहां से रिसिप्ट अमाउंट में लिख दी दस हजार रुपए बिजनेस में है बच्चो कहां से रिसिप्ट हुआ ओनर ने दिया ओनर का नाम किया आनंद तो आनंद कैपिटल तो यहाँ लिखेंगे आप टू आनंद कैपिटल याद रखना बच्चों जब आप डेबिट साइड में यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है यहाँ पे इस साइड में टू आनंद पे क्या लिखते बाय सर ऐसा क्यों लिखते एक सेकेंड मैं आपको समझाता अब ख्याल रखना आपके नॉलेज के लिए कह रहा आनंद कैपिटल अकाउंट ऐसे लिखना रहेगा मैं आपके नॉलेज के लिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट ये तीनों चीज है तीन चीज के बारे में बात कर रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का होता है ये अमाउंट जो मैंने लिखा सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो अमाउंट लो उससे कम इंपॉर्टेंट होता है ये जो आपने मैंने आनंद कैपिटल लिखा और उससे भी कम इंपॉर्टेंट होता है आपने जो ये टू लिखे ये टू और बाय कॉमर्स वाले स्टूडेंट याद रखो ये जो आपको ये आदत है टू और बाय की लिखना है हमको इस साइड में आपने तो है टू लिखना है इस साइड में लिखे तो अपने को बाय लिखना है। तो वो लॉ है कोई जरूरी नहीं उसके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा जो बैलेंसिंग वैलेंसिंग सब बराबर आएगी ये चीज में आगे पीछे मगर ये एक परंपरा चली आ रही है हमारे कॉमर्स में हमारे अकाउंटिंग सब्जेक्ट में कि यहाँ पे टू लिखते हैं यहाँ पे बाय लिखते लेकिन यहां पर उसको परंपरा चली आ रही तो उस तरह टू और बाय हम लोग उसको लिखते मगर इंपॉर्टेंट जब आप सब्जेक्ट कोई पढ़ते हो तो आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए आपका फोकस पूरी सारा का सारा आप लोगों जो इंपॉर्टेंट चीजें जो कॉन्सेप्चुअल क्लियर है उस पर रहना चाहिए तो यहां पर आपने जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं फॉर्मेट ये सब पे ज्यादा वेटेज नहीं डालता फॉर्मेट बताया आप भी जब ड्रॉ करते हो उसको सजाना नहीं अपने को अपने को डेकोरेट नहीं करना है सिर्फ लिखना है तो डेकोरेशन नहीं होना के एकदम होना उसको सजा के कई बच्चों की आदत है चार कलर यूज करेंगे आपको ये अकाउंट पे फॉर्मेट ये सब पे ध्यान नहीं देना है फॉर्मेट तो फटफट ड्रॉ -फट कर सजावट नहीं करना है। जल्दी जल्दी से एक पेन पेंसिल या पेन आप जो भी उसको ड्रॉ करेंटा जल्दी जल्दी लेकिन आपको अपने समय किस पे ज्यादा देना है इन चीजों पर इन कंसेप्ट आपको समय देना है तो आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट में ग्रिप आते जाएगा तो so, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे अमाउंट है हमारा दस हजार रुपए जो बिजनेस में आया कहां से आया वो हमको ओनर ने ने, से आया? ने, है, में दस आ रहा है, ने तो सिर्फ आपने अभी सोचना की रिसिप्ट हुई के पेमेंट इस पर पे आपका ध्यान होना चाहिए बताया किस पे ध्यान होना चाहिए रिसिप्ट है के पेमेंट इस पर पे बस आपका ध्यान होना चाहिए तो आप मेरे को बताओ नौ हजार रुपये हमने बैंक में जमा कराया तो हमारे पास कैश आई क्या गई गई ना हमने कैश बैंक में जमा कराए तो पैसे गए तो पेमेंट साइड में लिखना एक जुलाई 2022 को हमारे पास से पैसे गए कितने गए 9000 तो आप देखो मैंने अमाउंट कॉलम में 9000 लिखा कहा गए बैंक में गए तो आप यहां पे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट आप क्या लिखोगे बाय बैंक अकाउंट कहाँ गए बैंक में गए तो मैंने वहां पर लिखा बाय बैंक इतनी चीज आप ध्यान से समझेंगे बाय बैंक अब यहाँ पे

सो so, अपन इस पे बात करेंगे आगे अभी फिलहाल इतना देखेंगे सिर्फ कैश आ रही और जा रही है कैश की बात कर रहे हैं हम सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक और कॉम्बिनेशन कोई और भी हो सकते हैं बात करूंगा बाद में डबल ट्रिपल पे जब आऊंगा अभी बस इतना फोकस करेंगे कि सिंगल कॉलम कैश बुक है। पैसा आया और गया उस पर ध्यान देना फिर वो कहते हैं फर्स्ट ऑफ है, जुलाई को हमने स्टेशनरी परचेज करे और चालीस रुपए क्या पे करे कैश पे करे तो फर्स्ट ऑफ जुलाई को स्टेशनरी परचेज करे और चालीस रुपए क्या पे करे कैश पे करे सो यहां पर मैंने लिखा पेमेंट आई किए गई पेमेंट सर हमारे पास गई हमने स्टेशनरी परचेज करे तो यहाँ पे एक जुलाई दो हजार बाईस को हमने स्टेशनरी परचेज करे तो करे तो हमारे पास से चालीस रुपए गए हमारे पास से क्या गए चालीस रुपए गए लेकिन क्यों गए कहाँ गए स्टेशनरी के लिए गए तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट स्टेशनरी अकाउंट सिर्फ हमको देखना रिसिप्ट और पेमेंट पे ध्यान देना ठीक है थीके? तो स्टेशनरी तो हमारे पास से पैसा गया फिर आगे हमसे कहता है कि परचेस गुड्स फॉर कैश हमने गुड्स परचेस कर तो जब भी गुड्स परचेज करते तो परचेस अकाउंट ध्यान रखना ठीक है तो परचेज गए अभी तो क्या रिसिप्ट है के पेमेंट है? पेमेंट है, कैश में हमने उसको किस में परचेस करे बच्चों कैश में परचेस करे तो पेमेंट है छे सौ पचास तो मैंने एक जुलाई डेट दोबारा नहीं भी लेके तो चलेंगे एक ही डेट पे यहाँ पे बाय पहले यहां पे हमारे पास से पैसे गए छे सौ पचास रुपए हमारे पास से गए कितना पैसा हमारे पास से गया छे रुपए हमारे पास से गया और किस चीज का ये था हमारा परचेज अकाउंट कहाचेस करें इसलिए हमारे पास अब देखो फर्क है अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर परचेज स्टेशनरी से तो आपने परचेज नहीं ली जब आप हाँ नहीं लिखा जब गुड्स परचेस करते तो जब भी परचेज अकाउंट आता तो यहाँ पे देखो आपने क्या परचेज करे गुड्स ओके उसके बाद वो कहता है कि परचेज ऑफिस टेबल एंड चेयर ऑफिस के लिए टेबल और चेयर परचेज की तो हमने परचेज की तो पैसा आया गया गया पेमेंट हुई है तो यहां पर आप लिखेंगे पेमेंट हुई कितने की पेमेंट हुई हमारी दो सौ रुपए की तो यहाँ पर तो फर्नीचर गया बाय फर्नीचर अकाउंट हमारे पास से दो सौ रुपए गए हमारे पास से दो सौ रुपए गए ओके सो फर्नीचर अकाउंट अब यहां पे बड़ा सिंपल है तो बस पैसा आया गया देखना है अपने को दो तारीख को फिर कैश सेल हुआ बस आप अभी एंट्री वेंट वो मत दे रहे आप बस इतना सोचो कि पैसा आया के आपको इतना सोचना है कि दो तारीख को क्या हुआ 150 कैश सेल पैसा आया कैश सेल करे तो पैसा हमारे पास रिसिप्ट है 150 तो रिसिप्ट और पेमेंट पे ध्यान देखना तो आपका 2 जुलाई 2022 को रिसिप्ट आया कितना पैसा आया 150 तो मैंने रिसिप्ट साइड में लिखा एक तो टू आपका सेल्स अकाउंट कहां से पैसा है सेल्स से आया कितना है आपका एक सौ पचास अब उसके बाद यहाँ पेपाल कैश है गोपाल से दो सौ रुपए आए दो सौ रुपए किस है गोपाल से उसने एडवांस में दिया ठीक है हमको सिर्फ इतना देखना पैसा आया क्या क्या तो बेटा रिसिप्ट है तो कौन से साइड में लिखेंगे आप रिसिप्ट साइड में आप ये लिखेंगे दो सौ रुपए किस से आया? कौन सी तारीख को तीन तारीख को किससे आया गोपाल से तो यहाँ पे लिखूंगी गोपाल गोपाल सकाउ गोपाल सकाउ अब उसके बाद यहाँ पे फिर आगे कहता है चार तारीख को चार तारीख को क्या कह रहे पेड टू एंड कैश हमने कैश पे एंड सन्स को 140 तो आप मुझको बताओ ये रिसिप्टे के पेमेंट है बच्चे पे करे हमने एक रुपए बहुत ही सिंपल है ये हमने पेमेंट करे एक रुपए हमारे पास से गए एक रुपए बच्चों हमारे पास से गए तो ये क्या हो गई ये पेमेंट हो गई तो आप यहाँ पे पेमेंट साइड में लिखेंगे कहां पे लिखेंगे पेमेंट साइड चार जुलाई दो हजार 4 जुलाई 2022 को चार जुलाई दो हजार बाईस को हमारे पास से पैसा गया बाय पेटीएम अकाउंट एक सौ हमारे पास से पैसा गया हमारे पास से पैसा गया कितना गया 140 हमारे पास से पैसा गया अब उसके बाद पेमेंट था तो हमने पेमेंट साइड में लिखी रिसिप्ट तो रिसिप्ट पेमेंट होता पेमेंट साइड में बस आप इतना सोचो हर ट्रांजैक्शन को पढ़ के कि पैसा आया कि पैसा गया बस इतना आपको सोचना है अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पेड फॉर साइन बोर्ड आपने पेड साइन बोर्ड आपने लिए साइन बोर्ड बनाए तो उसके लिए आपने एक सौ तीस रुपए पे कर तो क्या चीज हुई पेमेंट हुई तो आप पेमेंट साइड में यहां पे लिखेंगे पांच ये क्या लिखेंगे पेमेंट साइड में लिखेंगे पांच जुलाई दो को बाय एक और चीज है साइन बोर्ड है आपका ठीक तो है तो आपने साइन बोर्ड बनाए तो इस लाइक ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस का तो जो छोटे चो, छोटे खर्चे होते तो अपन उसको एक ही इसमें ले लेते ऑफिस के जो खर्चे तो बहुत सारे अकाउंट नहीं बनाते तो कोई साइन बोर्ड लिखा दैट इज ऑल्सो करेक्ट लेकिन आप उसको ऑफिस एक्सपेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे ओके ऑफिस एक्सपेंसिस भी लिख सकते कितना आपका एक सौ ओके उसके बाद यहाँ पे आगे वो कहता है हमसे कैश सेल पैसा आया कि गया कैश सेल में पैसा आया है रिसिप्ट है तो 160 मैं रिसिप्ट साइड में लिखूंगा और यहां पे लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट ठीक है कौन सी तारीख है छ जुलाई छ जुलाई 2022 हजार जुलाई 2022 160 रुपए उसके बाद वो कहते हैं परचेज ओल्ड टाइपराइटर आपने क्या करे ओल्ड टाइपराइटर परचेज करे ठीक है तो आपके परचेज ओल्ड टाइपराइटर अब यहां पे बेटा उसने ये नहीं बोला अपने को कि कैश क्या क्रेडिट नहीं बोला लेकिन पार्टी का नाम भी नहीं दिया तो इंटरप्रिटेशन रूल में हम जाएंगे इंटरप्रिटेशन रूल में कब जाते जब आपको क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया तो आप ये आखिरी वाला ट्रांजेक्शन अगर देखते तो पर्चेज ओल्ड टाइप राइटर वो क्या कह रहा है आपको परचेज ओल्ड टाइप राइटर जब आपको कह रहा है वो परचेज ओल्ड टाइप राइटर तो आपको क्या चीज कह रहा है कि हमारे पास वो परचेज ओल्ड टाइप राइटर अगर मैं कहूँ यहां सो so, हमारे पास यहाँ पे पे, पे पे पैसा आ, कैश और क्रेडिट उसने नहीं बोला लेकिन फिर मैं इंटरप्रिटेशन रूल पे गया तो मेरे को वहां पे नाम भी नहीं दिया पार्टी का तो मैं यही बोलूंगा कि क्यों कैश में ट्रांजेक्शन अब आपने टाइप राइटर खरीदे ना वो एक ऑफिस इक्विपमेंट है तो ऑफिस का इक्विपमेंट खरीदे तो आपके पास पैसा आया कि गया गया आपने क्योंकि परचेस किए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सात जुलाई दो हजार बाईस को हमारे पास से कितने रुपए गए तीन सौ रुपए गए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑफिस इक्विपमेंट लिख रहा हूँ इक्विपमेंट लिख रहा हूँ तो टाइप राइटर इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट ओके ओके देखो एक बच्चा कहता है फर्नीचर नहीं बेटा फर्नीचर फिक्सर से बेहतर है ऑफिस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने साइन बोर्ड खरीदे दैट विल नॉट बी फॉर द लॉन्ग टर्म सिंपल रहता है साइन बोर्ड एक छोटा मोटा सा खर्चा होता है आपका तो ऑफिस एक्सपेंसेस में ही आएगा ठीक है ऑफिस एक्सपेंस में आएगा ओके सो इतना आपने लिखियो उसको कितना हो गया आपका ऑफिस ऑफिस इक्विपमेंट 300 लिख हमने क्या करें हमने रिसीप्ट और पेमेंट अपने यहाँ पे बता दिए अब क्या होता है बच्चों इसके बाद ये रिसीप्ट और पेमेंट आपने यहाँ पे लिख दिए इसके बाद ओके ठीक है अब ध्यान से अब आपने रिसिप्ट अब उसके बाद क्या करते है? आप टोटल करते सो so, ये आपने की टोटल करेंगे तो करूँ टोटल दस हजार प्लस एक सौ पचास प्लस दो सौ प्लस एक सौ साठ तो मैंने रिसिप्ट साइट की टोटल करा तो ये कितना आया आपका ये आया आपका टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टेन रुपीज ये रिसिप्ट साइट की टोटल है बेटा ओके और इसमें से आप पेमेंट साइट को क्या करते माइनस करते तो आपने टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टोटल करें पेमेंट साइट को माइनस करो इसमें से माइनस नाइन थाउजेंड माइनस फोर्टी माइनस सिक्स फिफ्टी माइनस टू हंड्रेड माइनस वन फोर्टी माइनस वन थर्टी माइनस थ्री हंड्रेड तो कितना बच रहा है बैलेंस आपका बच रहा है पचास बैलेंस कितना बच रहा है आपका फिफ्टी रुपीज ओके okay. सो so आपने ये आपका जो बैलेंस आ रहा है कितना रहा है फिफ्टी तो आपने पहले रिसिप साइड की टोटल करो देट्स कम टेन उसमें से सारे माइनस करो बेटा तो ये आपका बैलेंस आ रहा है सात जुलाई दो हजार बाईस को पचास रुपए का बैलेंस आ रहा है तो ये टोटल भी टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टेन और जो बैलेंस आता है उसे किस तरह बाय बैलेंस वॉट इज दिस सी डी सी डी इज ये सी डी क्या बच्चों सी डी मतलब कैरीड डाउन ओके और इसको नेक्स्ट पीरियड में यहां पर मैं एक सेकेंड रुकना ओके okay. नेक्स्ट पीरियड पे यहां पे आप इसको लिखेंगे यहां पे सात के बाद आती आठ जुलाई दो हजार बाईस यहां पर लिखते बेटे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है फिफ्टी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन फिफ्टी ठीक है ओके okay, ओके इतनी चीज समझ में आई आपको okay, तो इस तरह लिखा जाता है बेटा तो यहां पर जो आपने ये बैलेंस लिखे ना ये बैलेंस को नेक्स्ट पीरियड में जैसे यहां से यहाँ कैरी ऐसे लिखते तो ये जो बैलेंस आया आपका आपने रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करे फिफ्टी ये बैलेंस आया बेटा और नेक्स्ट पीरियड में यहां पर इस तरीके से आप इसको फिफ्टी बता दोगे अब आप मेरे को बताओ इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आप फिर से पूछेंगे बेटा ओके कोई डाउट होगा तो पूछेंगे इसमें कुछ नोट लिखाना है वो मैं नोट लिखा देता हूँ आप लोगों को अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग वहां पे पोस्ट करो मैं एक नोट जब तक लिखा देता हूं ओके ये रिलेटेड टू ना पोस्टिंग के बारे में कुछ मैं कह रहा हूं ऐसे लिख देता हूं अब लिखो अब आप मैं लिख लो पहले फिर मैं कहता हूँ ओके okay, तो आप ख्याल रखेंगे जब हम लोग लेजर वाली स्टेज पे जाएंगे बेटा तो वहां पर आप देखेंगे लेजर वाली स्टेज पे जब हम जाएंगे तो वहां पर आप देखोगे कि ये जो आपके लेजर वाली स्टेज पे अभी लेजर वाली स्टेज पे हम लोग आए नहीं है जब आप लेजर वाली स्टेज पे जाओगे तो आप वहां पे देखेंगे कि ये जो रिसिप्ट साइड है ये रिसिप्ट एक्चुअल नहीं कैश बुक कैश अकाउंट के जैसा ही काम कर रहा है हमारा यहाँ पे तो कैश आप जब लेजर वाली स्टेज पे जाओगे तो वहां पे देखोगे कैश बुक जो कैश अकाउंट की तरह ही काम कर रहा है तो इसलिए वहां पे कैश अकाउंट नहीं बनाया जाता क्योंकि दो, दो बार हो क्योंकि हमारा पर्पस ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है पे। तो ये पोस्टिंग से रिलेटेड यहां से कि जो भी आपका रिसिप्ट साइड है ये आपने एक इफेक्ट दिए कैश अकाउंट को डेबिट करें दूसरा इफेक्ट लेजर वाली स्टेज पे ये जो पार्टी ना आनंद कैपिटल अकाउंट बनेगा लेजर वाली स्टेज पे सेल्स अकाउंट बनेगा गोपाल अकाउंट बनेगा तो ये अकाउंट यहां पर आपने डेबिट किए कैश में लेकिन ये पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे अकाउंट है इनको दूसरा इफेक्ट क्या होता है क्रेडिट उनको इन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जी यहाँ जिनको अपन यहाँ पे कैश में अपन कैश बुक में क्रेडिट करें लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसको क्या करेंगे अपन वहां पे डेबिट करेंगे तो अभी इसको उतना ध्यान मत दो मैंने लेजर में आप लोग को डेबिट क्रेडिट साइड होते वो भी बताया नहीं मतलब अब आने का लेजर ये साइड को अपन डेबिट कहते हैं ये साइड को क्रेडिट कहते हैं अभी सिर्फ कैश बुक चल रही रिसिप्ट एंड पेमेंट ओके मगर ये रेफरेंस वहां पर आएगा रिसीव साइड में लेके दूसरा इफेक्ट पर्टिकुलर पार्टीज में जाता है और ये पेमेंट साइड में जो लेके दूसरे पार्टी के यहाँ पे पेमेंट साइड में लेके दूसरे पार्टी के डेबिट साइड में हो जाएगा तो इसका यूज कब होंगे जब हम पोस्टिंग वाली स्टेज पे हैं कि वहां पे इस पे और डिस्कशन होगा मगर अभी इसको रेफरेंस के लिए लिख के रख लो ठीक है रेफरेंस के लिए सिर्फ लिख के आप यहां पे रख लो एनी डाउट क्वेश्चन में तो अगर आप मुझसे पूछेंगे अंकित अमित मलिक गर्वित ओके नेहा ओके एनी डाउट कोई डाउट होंगे तो पूछेंगे बच्चों ओके नो डाउट सर ओके बेटा ठीक है अब आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे अब वो कहता है हमसे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम क्या करें कि यहां पे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अपने को क्या प्रिपेयर करना है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम तो हमको कैश बुक में मतलब कितने कॉलम आ गए बेटा दो कॉलम एक कैश हो गया और एक कॉलम दूसरा कहता है कि डिस्काउंट तो हमने जो अभी देखे कि सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ ओके okay. सो so यहां पे कोई सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने देखे कि वहां पे जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपने रिसीप्ट और पेमेंट कैश की करें लेकिन यहां पे वो दो कॉलम की बात कर है अब आपको कहता है कि एक कैश का भी कॉलम मेंटेन दिया कौन सा कॉलम ऐड करने बोला डिस्काउंट का कॉलम कैश बुक मैं क्या लिख डबल कॉलम कैश बुक आपसे आप बात कर रहा हूं अभी डबल कॉलम कैश बुक का कैसा फॉर्मेट होता है अच्छे से समझना बेटे डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता बड़ा ही सिंपल है अब जैसे कि मैंने यहां पे कहा एक डेट होता है एक आपका यहां पे एक डेट होता है एक पर्टिकुलरस आप लिखते हो और फिर यहां पे लेजर फोलियो और ये दो कॉलम अब अमाउंट में दो कॉलम आ गए अब ध्यान से थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अब यहां पर मैंने लिखा डेट यहां पे पर्टिकुलर्स या आप पर रिसिप्ट लिखो और लेजर फोलियो अब दो कॉलम आ गए बच्चों एक कॉलम मैंने लिख दिया डिस्काउंट का और एक कॉलम मैंने लिख दिया कैश का सो दो कॉलम कह रहा एक कैश का और एक डिस्काउंट का ठीक है दो कॉलम कह रहा है किसके कह है वो एक उसने कहा अपने से कि कैश का कॉलम मेंटेन करो और एक उसने कहा कौन सा कॉलम मेंटेन करो डिस्काउंट का कॉलम फिर यहां पे उसी तरह यहां पे मैं लिखूंगा डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो एक आपका कैश का कॉलम और एक डिस्काउंट का कॉलम मैं यहाँ पे कैश और डिस्काउंट का कॉलम लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पे एक कैश का कॉलम लिखा और एक डिस्काउंट का यहां पे कैश का एक डिस्काउंट का तो ये डबल कॉलम कैश बुक में आपने देखे दो कॉलम है उन एक में कैश का लिखूंगा एक डिस्काउंट का अब मैं आपसे पहले कह दू ये जो आप कॉम्बिनेशन यहां पे जो बनाते हो ये जो कॉम्बिनेशन बनाते हो हूँ कॉम्बिनेशन आपका जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं है कि कैश डबल कॉलम में कैश और डिस्काउंट का एक कॉम्बिनेशन हो तीन चीजें होती है एक कैश होती है एक बैंक होती है और एक डिस्काउंट होती है आप अभी देखेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक में और एक कॉलम ऐड हो जाएगा और वो कौन सा कॉलम रहेगा बच्चों वो बैंक का कॉलम रहेगा वहां पे मेरा कहने का मतलब आपसे ये यहाँ पे कि कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं कि कैश और डिस्काउंट में डबल कॉलम कैश बुक में कैश और डिस्काउंट का एक कॉलम हो ये कॉलम हो सकता है कि आपका कैश और बैंक का हो यह हो सकता है बैंक और डिस्काउंट का वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है डबल कॉलम कैश बुक में दो आ सकते हैं इसमें तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला कि कैश और डिस्काउंट का कॉलम है तो मैं आप इसलिए मैं कैश और डिस्काउंट बताऊंगा अब दूसरी चीज में आपसे इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन है ना वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है क्वेश्चन में बोला हमको कैश और डिस्काउंट इसलिए ऊपर कैश और डिस्काउंट मैंने लिखा अब दूसरी चीज आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए बच्चों कि क्यों डिस्काउंट का कॉलम ऐड करा गया से सोचो बच्चों मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूँ कि मेरे ट्रांजेक्शन बहुत कैश में हो रहे तो मुझको समझ में आया जब मेरे कैश में ट्रांजेक्शन बहुत हो रहे तो मैंने क्या किया कैश में ट्रांजेक्शन मेरे बहुत हो रहे तो मैंने उसको क्या माना कि मैंने कहा कि भाई कैश में रिसिप एक कॉलम रखा था वो कैश जैसे ऊपर वाला जो था यहाँ पे ये अमाउंट का कॉलम कैश को रिप्रेजेंट करता तो रिसिप्ट और पेमेंट पैसा आया तो यहाँ पैसा गया तो यहाँ पे ये यह हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट हम लोग लिख रहे थे बेटा अब मैंने क्या कहा यहां पे यहां पे रिसिप्ट और पेमेंट हम लोग लिख रहे थे लेकिन मैंने कहा कि ऐसा होता है बेटा जब भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे डिस्काउंट के भी बहुत ट्रांजेक्शन हो रहे तो जब हमारे कैश में पैसा आता है ये कैश में पैसा जा रहा है तो हमने कई बार देखिए कोई हमको डिस्काउंट देता है क्योंकि वो अर्ली डिस्काउंट देता है क्योंकि हमने अर्ली पेमेंट किया या हम किसी को डिस्काउंट देते हैं उसने हमको अर्ली पेमेंट दिया तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई उसने हमको यहाँ पे जब रिसिप्ट और पेमेंट इस तरीके का होता है तो उसके साथ साथ ये भी होता है कि डिस्काउंट का भी एक ट्रांजेक्शन में कई बार डिस्काउंट भी दिया जाता है तो जब वो डिस्काउंट भी हमारे पास से जा रहा है डिस्काउंट भी हमारे पास से आ रहा है या जो भी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड तो डिस्काउंट जो हो रहा है तो वो भी कैश पे रिसिप्ट और पेमेंट के साथ होता है अब आप खुद सोचिए कि अगर मेरे पास एक बुक है ये बुक है मेरी कैश बुक ठीक है कैश बुक है इसमें डबल कॉलम कैश बुक मेरे पास बना हुआ और मैंने देखा कि मेरे पास कैश जब भी आ रही है या कैश मेरे पास से जा रही है तो कई बार होता है कि हम डिस्काउंट देते हैं या हम डिस्काउंट हमको मिलता है तो क्या होता है कि कैश का ट्रांजेक्शन मैं यहां पर लिखू कैश का ट्रांजेक्शन यहाँ लिखू उससे रिलेटेड जो फिर डिस्काउंट है उसके लिए मेरे पास दूसरी बुक जो जर्नल है मेरे को वहां पर जाना पड़ रहा है

तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर दे उस कॉलम को क्या कह दे उस कॉलम को, को, तो को हम लोग क्या कह दे उस कॉलम को हम क्या कह दे डिस्काउंट कह दे ठीक है तो उस कॉलम को हमने एक और कॉलम ऐड करें उस कॉलम को क्या कहते हैं डिस्काउंट डिस्काउंट क्यों कॉलम का ऐड करें ताकि हमको इन्फॉर्मेशन एक जगह पर ही मिल जाए तो जो रिसिप्ट हुआ जो पेमेंट हुआ जो पैसा आया और जो पैसा हमारे पास से गया उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्काउंट है तो बाजू में हमने कॉलम ऐड करे और वो कॉलम कौन सा है बेटा डिस्काउंट का कॉलम है तो हमको समझने में आसानी होती है और इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाती है तो अपनी सहूलत के लिए अपनी कन्वीनियंस के हमने एक कॉलम ऐड करे उस कॉलम को क्या कहते हैं डिस्काउंट कॉलम तो जो भी डिस्काउंट से रिलेटेड रहेगा जो भी डिस्काउंट वाला अमाउंट रहेगा वो हम डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे आप ऑब्जर्व करोगे जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे कई बार होता है कि कोई ट्रांजेक्शन से जब हमको पैसा आया तो डिस्काउंट भी बोलता है कि भाई पैसा आया अरे हमने उसको डिस्काउंट दिए तो जो पैसा आया वो कैश वाले कॉलम में और जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट वाले कॉलम में ओके okay, तो अब इसीलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन उसमें हमको बोला कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम तो ट्रांजेक्शन सारे लिखे हुए वो मैं रीड करूंगा लेकिन आप पहले लिख लेंगे यहां पे यहां पर आप लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ये कौन सा है आपका पेज नंबर एटीन पेज नंबर एटीन सो यहां पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन और पेज नंबर कौन सा आप लोगों का एटीन है ओके सो यहां पर आप लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक ओके डबल कॉलम कैश बुक इसको आप ड्रॉ करेंगे यहां पे बारह पंद्रह दोबारा बारह पंद्रह बहुत दस बारह बारह लाइन का राउंड ड्रॉ कर लो बच्चों डेट का एक कॉलम फिर यहां पे रिसिप्ट लेजर फोलियो और यहां पे दो कॉलम डेट पेमेंट लेजर फोलियो दो कॉलम डेट रिसिप्ट हमको यहां पे लिखना है लेजर फोलियो डिस्काउंट ठीक है दो कॉलम है आपके एक सेकेंड पहले कैश कॉलम और डिस्काउंट फिर डेट ये पेमेंट और लेजर फोलियो कैश डिस्काउंट ओके डिस्काउंट ओके ओके डन लिखे आपने इतना ड्रॉ किया बच्चों इसको ड्रॉ कर लेंगे ओके ठीक है इसको लिख लेंगे आप इतना ड्रॉ किया आपने ठीक है अब देखो यहां पे ध्यान से अब यहाँ पे वो कहता है हमको अगस्त 22 की बात है वो कहता है ओपनिंग कैश बैलेंस फर्क समझना बेटा पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे जो प्रोपर, ओनर था आनंद उसने बिजनेस स्टार्ट किया था उसने बिजनेस को स्टार्ट किया था इसलिए जब मैंने यहां पे कैश बुक बनाया तो तो यहाँ पे यहाँ पे आनंद कैपिटल क्योंकि उसने कैश लेके आया था इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है यहां पर वो ये नहीं कह रहा है कि ओनर ने पैसा लेकर आया वो कह रहा है ओपनिंग कैश बैलेंस मतलब बिजनेस पहले से चल रहा है हमारा कैश रखा हुआ है हमारा कैश रखा हुआ है और एक कैश एक एसेट होती है एसेट के कौन से बैलेंस होते डेबिट बैलेंस होते तो ओपनिंग पहले का कैश हमारे पास रखा हुआ है पहले का रखा है तो एसेट एक आपका जो कैश एक क्या होती है बच्चो कैश एक जो एक होती है एसेट होती है सो कैश आपकी एक एसेट होती है और एसेट के कौन से बैलेंस होते डेबिट बैलेंस होते इसीलिए जो ओपनिंग कैश है आपको ओपनिंग कैश जो है आपकी वो डेबिट साइड में लिखा जाता है डेबिट साइड आप सीखोगे मैं अभी लेजर वाली स्टेज पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ये अकाउंट की तरह ही ऐसा ही अकाउंट बनता है लेफ्ट हैंड साइड को आप डेबिट के नाम से बुलाते हो और ये राइट हैंड साइड को किस नाम से बुलाते हैं बच्चों क्रेडिट के नाम से आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा तो एस कैश एक एसेट होती है एसेट के डेबिट बैलेंस लेकिन चिंता नहीं करना लेजर वाली स्टेज पे आपको अकाउंट बनाना भी मैं सिखाऊंगा लेजर वाली स्टेज पे मैं आपको अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा सो so, मैंने कहा आपको लेफ्ट हैंड साइड जो होता उसको है उसको डेबिट कहते हैं इस अकाउंट पे और राइट हैंड साइड में क्रेडिट अकाउंट लगभग ऐसा ही बनता है मगर अभी हम क्या सीख रहे डबल कॉलम कैश बुक सो मैंने लिखा यहाँ पे एक अगस्त दो को ओपनिंग बैलेंस है जैसे आपको यहाँ पे देखो आपको यहां से क्लियर होगा यहां पर ये जो बैलेंस आया था पचास ये इस, इसका बचा हुआ पचास था नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस इस तरह यहां पर लिखे तो इसको ऐसे फॉरवर्ड करते हैं यहां पे क्यों क्योंकि हमारे पास पैसा रखा हुआ है बचा हुआ है तो नेक्स्ट ईयर में इतना नेक्स्ट पीरियड में इतना आ गया ठीक है रिसिप्ट साइड में आ गया तो ये यहाँ पर 50 तो यहां से इस क्वेश्चन में अपना बिजनेस शुरू नहीं हो रहा अभी जो अपन क्वेश्चन कर रहे हो यहां से शुरू हो रहा है अपने पास पुराना पैसा है सो कितना रखा हुआ है वो वो आपका रखा हुआ है टू बैलेंस टू बैलेंस डाउन. कितना अमाउंट है बेटा कैश जो उसने क्वेश्चन में दो हजार पांच सौ तो बच्चों कैश यहां पे लिखो कैश कॉलम में दो हजार पांच कैश कॉलम में क्या लिखेंगे आप दो हजार पांच ओके दो हजार पांच लिखेंगे इतना आपको समझ में आया ओके अब उसके बाद यहां पे वो कहता है कि रिसीव्ड फ्रॉम रिसीव फ्रॉम डी एन कंपनी फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज मिले और पचास रुपए का हमने उनको डिस्काउंट दिया क्योंकि फुल सेटलमेंट इतना लेना था इतना दिया एंड दे यूज द दर्ट फुल सेटलमेंट दे यूज द दर्ट फुल सेटलमेंट हम वर्ड यूज कर रहे ओके okay? सो so यहां पर मैं लिखता हूं कौन सी तारीख है आपकी तीन अगस्त को पैसा आया तीन अगस्त दो हजार बाईस को तो कैश कितना आया कैश आया वन थ्री फाइव जीरो डिस्काउंट कितना दी हमने पचास और एक किससे आया हमको डी एन कंपनी तब आप खुद सोचो बच्चों जब मैंने यहाँ पे रिसिप्ट साइड में लिखा रिसिप्ट साइड में लिखा यहाँ पे रिसिप्ट साइड में लिखा यहाँ पे देखो वन थ्री फाइव जीरो इससे रिलेटेड जो डिस्काउंट था इससे रिलेटेड जो डिस्काउंट था वो कितना आपका फिफ्टी वो मैंने डिस्काउंट साइड पे यहाँ पे लिख लिया इससे वन थ्री फाइव जीरो से रिलेटेड जो डिस्काउंट था वो मैंने यहाँ पे लिखा तो इन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा मिली मतलब इंफॉर्मेशन आसानी से एक जगह पर मिल गई अगर ये डिस्काउंट वाला कॉलम नहीं होता तो मेरे को जर्नल में जाके लिखना पड़ता था इस डिस्काउंट को लेकिन मैंने डिस्काउंट वाला कॉलम यही एड कर लिया अपनी सहूलत के लिए तो वो फिफ्टी मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे तो एक ही जगह मिल पता चल गया कि वन अपने को कैश मिले और इतना अपने डिस्काउंट दिए ये जो डिस्काउंट होता है ना ये अलाउड होता है ये डिस्काउंट क्या होता है अलाउड है और ये वाला ये वाला इधर किधर गया जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट कौन सा है आपका ये डिस्काउंट है आपका? रिसीव्ड वाला है. ये डिस्काउंट कौन सा ये लिखे आपने कितना वन थ्री फाइव जीरो और उसमें अपने को जो पैसा उससे मिला और पचास के आपने डिस्काउंट उसको दिए इतना आपको समझ में आया उसके बाद कहता है रिसीव्ड फॉर कैश सिर आपने कैश में कुछ बेचे बस आप इतना मुझे बताओ रिसिप्ट है पेमेंट कैश सेल मतलब आपने कैश सेल किए तो आपके पास रिसिप्ट पैसा आया है ना कैश सेल पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे आप वन टू फाइव जीरो चार ऑगस्ट दो हजार बाविस को कहा सेल्स करने पे ये पैसा आया सेल्स करने पे हमको ये पैसा आया ओके अब हम लोग देखते हैं आप ये हमारा रिसिप्ट साइड हम जो रिसिप्ट हुआ तो रिसिप्ट साइड में पेमेंट पे हुआ तो पेमेंट साइड में अब पे मैं लिखता कितना देना था आठ सौ देना, 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 देना था लेकिन मैंने उसको दिया कितनी सेवन सेवन और उस मैंने कहा कि फुल सेटलमेंट अब पच्चीस रुपए में नहीं दूंगा मतलब वो क्या हो मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ ओके okay, तो पेमेंट है पेमेंट आपने 775 पे करे तो आप पेमेंट साइट में लिखो पांच अगस्त 2022 की बात है आपने कैश पे करी 775 और ट्वेंटी फाइव रुपीज क्या है ट्वेंटी फाइव रुपीज क्या हो डिस्काउंट रिसीव हुआ सो so, मैंने यहां पे लिखा बाय राजेश एंड कंपनी किसको पे करे राजेश एंड कंपनी तो कैश गया 775, तो मैंने वहां पे सेवन सेवनटी फाइव कैश वाले कॉलम में लिख लिया और हमको आठ सौ के बदले सेवन सेवनटी फाइव देना पड़ा और पच्चीस रुपए डिस्काउंट का तो हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ ठीक है अब अब उसने अब हमने उसको बेनिफिट किया हमने उसको बेनिफिट दिया ना अर्ली पेमेंट करके तो उसने पच्चीस रुपए का डिस्काउंट हुआ ओके तो वहां पे आप लिखे ट्वेंटी तो आपने को इन्फॉर्मेशन मिलती अच्छा सेवन सेवनटी फाइव कैश था और पच्चीस रुपए क्या था डिस्काउंट था इसलिए डिस्काउंट का कॉलम वहां पे हम ऐड करते हैं उसके बाद यहाँ पे परचेज ऑफिस फर्नीचर सिक्स सेवेंटी ऑफिस फर्नीचर आपने खरीदे तो आपको यहां पे कैश और क्रेडिट लिखा नहीं है तो आप इंटरप्रिटेशन रूल में जाते हैं और वो कहता है कि नाम, दिया है, तो नाम नहीं दिया तो अपन तो क्या मानेंगे कैश ट्रांजेक्शन कितना सिक्स सेवेंटी तो मैं यहाँ पे पेमेंट साइड में जाता हूं सेवेंथ ऑफ ऑगस्ट ट्वेंटी टू बाय फर्नीचर अकाउंट हमने फर्नीचर खरीदे ना तो हमारे पास से पैसा गया कितना पैसा गया सिक्स सेवेंटी पैसा गया कितना पैसा गया सिक्स सेवेंटी सिक्स सेवेंटी हमारे पास से पैसा गया इतना लिखे आपने उसके बाद यहां पे पेड फॉर पोस्टल स्टैंप पोस्टल स्टैंप के लिए कितना पे करे ट्वेंटी फाइव पेड फॉर पोस्टल स्टैंप कितना ट्वेंटी फाइव पोस्टल स्टैंप के लिए पे करें तुम्हारे पास से पैसा गया तो पेमेंट साइट पर पे आप लिखेंगे तेरह तारीख की बात है तेरह अगस्त दो हजार सकते हैं पोस्टेज एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसे, कितना पोस्टेज एक्सपेंसेस था आपने जो पे करे पच्चीस रुपए तुम्हारे पास से पैसा गया तो ये पेमेंट साइट में हमने कैश कॉलम में पच्चीस रुपए लिख दिए अब उसके बाद यहां पे बच्चों वो कहते हैं पे पेड फॉर ऑफिस रेंट फॉर पेड़ फॉर ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ट्वेंटी टू कर लेना इसको करेक्ट कर लेना बच्चों आपके नोट्स में इसको दो कर लेना आपने अब देखो क्या चीज हुई बच्चों अब ध्यान से आप किस समय का ये कैश बुक बना रहे हो मैं जो समय का कैश बुक बना रहा हूँ वो अगस्त का कैश बुक है कब का कैश बुक है बच्चों अगस्त का अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बेटे मैं कहीं यहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेटेड एक्सप्लेनेशन में आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ ये कौन सी तारीख का आपका है ये जो आपका है ये आपका जो ट्रांजेक्शन कौन सी तारीख का रेंट का पंद्रह था ये जो अगस्त फिफ्टीन का ट्रांजेक्शन है पंद्रह में पंद, पंद्रह अगस्त का उसके बारे में डिस्कस करो अब वो हमसे कहता है यहाँ पे बच्चों कि मैंने रेंट पे करा जो कि जुलाई दो का अगस्त मंथ में पे किया पंद्रह अगस्त को पे किया सो so एक चीज हो सकती बच्चों कि मैं यहाँ पे कहूँ अगर मैं अभी पहले सुनना अच्छे से मैं लिखता हूँ पंद्रह अगस्त को पंद्रह अगस्त दो हजार बाईस की बात है मैंने कहा कि मेरे पास से कैश गया कितना कैश गया मेरे पास से एक सौ पच्चीस रुपए का मेरे पास से कैश गया तो मैंने कहा कि पंद्रह अगस्त दो की बात है पंद्रह अगस्त दो की बात है और मेरे पास से कैश गया कितना कैश गया मेरे पास एक सौ रुपए का कैश गया तो मैंने पेमेंट साइड में महा लिखा लेकिन मैं आपसे कोई और चीज का डिस्कशन कर रहा हूं कि सर यहां पे मुझे क्या लिखना आप बोलेंगे सर लिख दो, रेंट गया ना आपके पास रेंट लिख दो अब थोड़ा सा समझना इस चीज को अगर मैं ये अगर मैं ये सोचू कि मैंने जो यहां पे मैंने जो यहां पे एक ना मैं अगर ये सोचता हूं ये पंद्रह अगस्त को जो मैंने यहां पे रेंट पे करा तो ये ऑगस्ट मंथ है मेरा ये ऑगस्ट मंथ है यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि मैंने जो रेंट पे किया तो मैंने एंट्री पास हो रहा रेंट इज एक्सपेंस एक्सपेंस डील बाय अकाउंट अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड आई नो के ऊपर कैश बुक बन रही जर्नल में नहीं लिखा जाएगा समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि रेंट को मैंने डेबिट किया कितना एक रुपए से रेंट को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है कितने से एक लेकिन मैं कोई अलग तरीके से कहता हूं मैं कहता हूं कि नहीं सर ये ऐसा भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पे मैंने रेंट के बारे में डिस्कशन चल रहा है यहां पे, पे रेंट के बारे ये जो पंद्रह अगस्त को मैंने रेंट पे करा एक्चुअल में जुलाई मंथ में यहाँ पे या तो मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने जुलाई मंथ में कोई एंट्री इसकी पास नहीं किया था लेकिन दूसरी चीज एक हो सकती है कि मैं अगस्त में मैंने रेंट पे किया और ऊपर लिख दिया उसको लेकिन दूसरी चीज एक ये भी पॉसिबल है कि जुलाई मंथ में मैंने जुलाई मंथ में रेंट पे नहीं किया था रेंट पे किया था क्या नहीं पे किया था लेकिन सर्विसेज को जुलाई में ही मिल गई सर्विसेज मुझको कब मिल गई सर्विसेज को जुलाई में ही मिल गई तो जब सर्विसेज को जुलाई मंथ में ही मिल गई तो हो सकता है कि मैंने यहां पे, यहां पे जुलाई मंथ में यहां पे एंट्री पास किया रेंट अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट 125 टू रेंट पेबल मैंने कल एक आपको ट्रांजेक्शन भी सिखाया था यहाँ पे आपने कल सीखे थे वाला बस इसी की बात चल रही है ये टू अकाउंट सो मैं कहता हूं आपसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट टू मैंने यहाँ पे का लैंड के बदले में लिख रहा हूँ रेंट पेबल अकाउंट क्योंकि मुझे पे करना होगा जुलाई मंथ का जुलाई मंथ का रेंट मैंने जब पे नहीं किया जुलाई मंथ में बेटा तो ये भी हो सकता है कि जुलाई मंथ में मैंने क्या रेंट पेबल की एंट्री पास करूं जब मैंने यहाँ पे पे करा किस मंथ में अगस्त मंथ में तो मैंने ऊपर में लिखा कि मैंने रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट में एंट्री पास कर लिया लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी सेकंड पॉसिबिलिटी कि मैंने जुलाई मंथ में जो सर्विसेज मिल गई थी तो मैंने जुलाई मंथ में वो एंट्री पास करा था रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट रेंट पेबल अकाउंट ठीक है तो जुलाई मंथ में अगर पेमेंट तो जुलाई में नहीं हुई थी इसीलिए इसके साथ साथ यही सेम है एक सेकेंड इसके साथ साथ मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे फिर मैंने अगस्त अगस्त मंथ मंथ में में इसका मतलब दो एंट्री यहां पे पास हो रही है एक जुलाई में और एक अगस्त में एंड यहां पे लिख ये दो एंट्री पास हो रही है जुलाई में वो ए, मतलब कनेक्टेड है तो जुलाई में मैंने पहले अगर एंट्री पास किया रेंट अकाउंट डेबिटेड टू तो रेंट पेबल अकाउंट टू कैश क्यों नहीं किया क्योंकि मेरे पास से कैश नहीं गई टू कैश क्यों नहीं किया क्योंकि मेरे पास से कैश नहीं गई अब मैं आता हूं अगस्त मंथ जब मैं अगस्त मंथ में आया तो मैंने वहां पे देखा कि मैंने रेंट पे करा तो रेंट कौन सा आपने पहले उसको रेंट पेबल बता दी थे लाइबिलिटी तो, तो, तो मैंने यहां पे लिखा डिक्रीज इन लाइबिलिटी रेंट पेबल अकाउंट डेबिट रेंट पेबल अकाउंट डेबिट 125 और मेरे पास से पैसा गया तो टू कैश अकाउंट 125 अब मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि मैं अगर यहां पे ऑब्जर्व करूँ मैं अगर यहां पे ऑब्जर्व करूँ मैंने यहां पे कैश अकाउंट को एक सेकेंड देना मुझे जैसे एक सेकेंड मुझे देना ओके okay. मैं अगर यहां पे ऑब्जर्व करूँ तो ये जो कैश अकाउंट ये जो कैश है बेटा यहां पे दोनों जगह पे आप देखते हो कि यहां से पैसा गया और यहां पर भी पैसा गया यहां पे पैसा इस तरीके में पैसा जा रहा है यहां है फर्क है यहां पर मैंने यहां पे डेबिट किसके आगे रेंट यहां पर यहां पे एक्सपेंस था ये यह, यहाँ पे लाइबिलिटी को डिस्चार्ज किया रेंट पे पर तो मैं क्या मानू मेरे को सोचना पड़ेगा कि मैं क्या मानू सर कि यहां पर मैं कैसा लिखू मतलब यहां पर अगर मैंने पिछले मैंने ये एंट्री पास किया रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेबल अकाउंट ये एंट्री अगर मैंने पिछले महीने जुलाई मंथ में अगर मैंने एंट्री पास किया कौन सी एंट्री पास किया जुलाई मंथ में बच्चों कि जुलाई मंथ में अगर मैंने यहाँ पे एंट्री पास किया होगा रेंट रेंट अकाउंट अकाउंट डेबिटेड टू सो मैं कहता आपसे कि फिर यहाँ पर मैंने लाइबिलिटी को डिस्चार्ज किया तो रेंट पेबल टू कैश तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फिर यहां पर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय रेंट पेबल अकाउंट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा अपना रेंट पेबल अकाउंट यहाँ पे लिख लूंगा मैं रेंट पेबल किसके अगेंस्ट में पैसे के 125 वो लैंडलॉर्ड को दिया जो आपको पे करना था लाइबिलिटी डिस्चार्ज करे रेंट पेबल आ जाएगा लेकिन बच्चों अगर मैं यहां पर बोलूं नहीं ये वाला तरीका था मैंने जुलाई मंथ में उसकी एंट्री ही पास नहीं किया जुलाई मंथ में मैंने उसकी एंट्री ही पास नहीं किया बच्चों और मैंने कहा कि नहीं नहीं सीधा मैंने अगस्त में जब पे किया जब ही रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश तो फिर यहां पर मैं रेंट लिखता था रेंट पेबल नहीं लिखता था तो मैं ऐसा मान लेता हूं मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं बच्चों मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि मैंने जुलाई मंथ में मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने जुलाई मंथ में जुलाई मंथ में मैंने क्या किया था बेटा यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल वो के, वो एंट्री वो के एंट्री मैंने पास किया था क्योंकि सर्विसेज मेरे को जुलाई में मिल गई थी ये अगस्त में जुलाई का रेंट मैं पे कर रहा हूं तो मैं यही मानूंगा कि जुलाई मंथ में मैंने उसको क्या करना रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल एंट्री पास किया था अज्यूम करो तो इस पर मैं आपको नोट लिखा दूंगा यहाँ पे लिख लेना नोट नंबर वन नोट नंबर वन तो ये तो नीचे उसका एक्सप्लेनेशन था मैंने आपको समझाने में लिखा ओके सो अब यहां पर आप लिखो यहां पर लिखेंगे आप अच्छा एक सौ पच्चीस आपने लिख लिए ठीक है तो इस पे नोट में लिखा दूंगा डोंट वरी ये नोट है एक यहां पे नोट अपन इससे रिलेटेड एक नोट लिख लेंगे ठीक है मैं लिखा दूंगा आपको डोंट वरी वो उसका एक्सप्लेनेशन ऊपर ये ओके नोट में आपको लिखा दूंगा ठीक है चलो अभी लिख लो एक काम करो It is assumed that it is assumed that in July month provision for rent payable was recorded. स नाउ ऑन पेमेंट नाउ ऑन पेमेंट रेंट पेबल अकाउंट इज अफेक्टेड माप इसलिए कौन सा अकाउंट अफेक्ट कर रेंट पेबल लिखे अपन ओके अब उसके बाद नेक्स्ट डेट का आप आपने लिखे ओके इसको लिख लेंगे अब नेक्स्ट डेट के अपन ट्रांजेक्शन पे आते हैं कौन से तारीख के सत्रह तारीख के वो कहता है आपसे कि यूज ऑफिस कैश फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस आपने एक सौ पचास के यूज करे अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए तो ड्रॉइंग हमारे पास से पैसा गया सो so, यहां पर हम लिखेंगे सत्रह अगस्त 2022 को मेरे पास से कितना पैसा गया मेरे पास से एक सौ पचास रुपए गया सो एक सौ पचास रुपए मेरे पास से गए किस चीज के ड्रॉइंग्स हो तो यहाँ पे लिख दो ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स अकाउंट ठीक है और इन पॉइंट से घबराना नहीं रेंट पेपर इससे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों आगे और अंडरस्टैंडिंग लेवल धीरे 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 आपका बढ़ते जाएगा मैं आपको कह रहा हूं अकाउंट ऐसा नहीं कि एक दिन में बैठे और पूरा का पूरा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ये चैप्टर सबसे फर्स्ट चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा समय आपका फर्स्ट चैप्टर लेता आगे के चैप्टर फिर जल्दी जल्दी होंगे फर्स्ट चैप्टर ही आपका सबसे ज्यादा समय लेता है क्यों क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पे धीरे धीरे बेसिक सीकर धीरे धीरे और फर्स्ट चैप्टर आपका धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कब होते जाएगा बेटे जब आप सेकंड थर्ड चैप्टर पे आऊंगे तो उसमें भी फर्स्ट चैप्टर से मैं लिंक करते जाऊंगा फर्स्ट चैप्टर से मैं लिंक करते जाऊंगा तो वो क्या होते जाएगा फर्स्ट चैप्टर ओवर द पीरियड आपका और स्ट्रांग होते जाएगा ओके okay? उसके बाद आपसे नेक्स्ट कहता है उन्नीस तारीख को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट अब आप मेरे को बताओ इस पर मैं नोट लिखा था उधारी में बेचे तो कैश बुक में आएगा क्या नहीं सर कैश बुक में तो सिर्फ वो ही आता जो रिसिप्ट आई और गई है वही लिखते तो उधारी में तो मतलब ये उधारी में तो ये क्या आएगा इट मीन इट विल नॉट बी उधारी में मीन्स इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक मैं इस नोट लिखा देता हूं आपको बल्कि ठीक है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप यहां पे लिखोगे नोट नंबर टू credit sale on 19th of august 22 will be entered or recorded in jour journal अच्छा ये जर्नल में लिखा जाएगा बेटा या आप आगे सीखोगे फिकर मत करना सेल्स बुक भी होती है सब्सिडरी बुक सिखाऊंगा तो ये जर्नल एज सब्सिडरी बुक अब किस में आएंगे बाद में सिखाऊंगा मेरे को अगर सब्सिडरी बुक मेंटेन नहीं करे आपने तो जर्नल में आएगा लेकिन सब्सिडरी बुक मेंटेन कर तो वहां पर आएंगे बाद में बात करेंगे सब्सिडरी बुक का भी आप लिख लेंगे और सेल्स बुक सब्सिडरी बुक में एक सेल्स बुक बनती है सेल्स बुक इफ सेल इफ सेल्स बुक इज मेंटेन ऐसा लिख लेता हूँ सेल्स बुक अगर आपने मेंटेन करे तो सेल बुक में आएगा। वो जाता है ज, जर्नल में जाएगा। अभी बुक, बुक के फिकर में अभी ऐसा मत करना। बाद बात करूंगा मैं। अभी पढ़ने की उसके बाद बीस तारीख को कहता है पेड टू रजनीकांत रुपीज सिक्स सेवेंटी इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट फॉर रुपीज सेवन हंड्रेड सात सौ के बदले में हमने छे सो सत्तर पे करे सात सौ के बदले में कितने पे करे छे सो सत्तर और उसने कहा फुल सेटलमेंट मतलब बचा हुआ तीस का डिस्काउंट पे करें तो पेमेंट साइड में जाएंगे अब 20 अगस्त 2022 को पेमेंट साइड में हमारे पास से पैसा गया है ना एक सेकेंड सॉरी पैसा गया कितना पैसा गया 670 700 के बदले 670 मतलब 30 क्या है डिस्काउंट तो आपके पास है किसको दिया रजनीकांत को देखो भैया रजनीकांत को भी अपन पेमेंट दे ओके ठीक है तो रजनीकांत यहाँ पे सिक्स सेवेंटी थर्टी ओके अब वो क्वेश्चन में आपसे कहता है कि यहाँ पे डिपॉजिटेड अब अच्छे से पढ़ना बीस तारीख का ये जो आखिरी वाला डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ रुपीज वन थाउजेंड टू हंड्रेड सारी की सारी कैश आप क्या करो बैंक में जमा करा दो बारह सौ के ऊपर बारह सौ के ऊपर जितनी भी कैश हो किसमें जमा करा दो कहता है बैंक में जमा करा दो अब मेरे को इसका मतलब आपको वो ये कहना चाह रहा है कि चाह रहा है कि 20 अगस्त 2022 को यहाँ पे जो आपका बैलेंस आता है बच्चों कैश का वो कितना आना चाहिए वो कहता है बारह सौ क्योंकि बारह सौ के ऊपर सारी की सारी कैश बारह सौ के ऊपर सारी की सारी कैश आपने कहाँ पे जमा करा दी बेटे सारी की सारी कैश बैंक में जमा करा

आप रिसीप साइड टोटल करो 2,500 प्लस 1,350 प्लस 1,250 ये 5,100 5,100 5,100 आपकी टोटल उसमें से 775 माइनस 6,70 माइनस 25 माइनस 125 माइनस 150 माइनस 6,70 माइनस 1,200 तो, तो, तो कितना आ रहा है आपका बैलेंस ये आ रहा है 1,4 एक ना सौ ना और कैश कितना बेटा आप कैसे हाथ में लो आप कैसे हाथ, हाथ में लो आपने रिसिप्ट साइड की टोटल पांच हजार एक सौ तो पांच हजार एक सौ लिखे आपने पांच हजार एक सौ रिसिप्ट साइड की टोटल माइनस पेमेंट साइड में करो देखो सेवन सेवन फाइव माइनस छे सौ पचास छ सौ सत्तर माइनस करे बाद मेरे पास बच बचरे है टू सिक्स वो कहता है बारह सौ रुपए को छोड़ के बैंक में जमा कराए तो बारह सौ रुपए मैंने अलग करा तो उसको माइनस कर दिया बारह सो को अलग कर दिया और जो बच्चा हुआ तो बैंक में जमा करा तो ये बैंक में जमा कराने के पहले मेरे पास कितना पेमेंट बच रही थी टू सिक्स एट फाइव

और वहां और 30, 25 और 30 कितना हो गया आपका ये हो गया आपका 55. तो एक चीज ख्याल रखना बेटा ये डिस्काउंट कॉलम की जो होती है आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिस्काउंट कॉलम जो होता है आपका डिस्काउंट कॉलम की टोटल को बैलेंसिंग नहीं करते जैसे कैश वाले कॉलम को बैलेंस करें हमने

कि जो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता वो एक नॉमिनल अकाउंट है पर्सनल और रियल अकाउंट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते और नॉमिनल अकाउंट जो होते उसी साल क्लोज हो जाते तो डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि वो एक्सपेंस हो सकता है या इनकम हो सकती है डिपेंड्स अलाव है कि रिसीव है तो ये नॉमिनल अकाउंट है ये इसी साल वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता तो जब इनको आप सीखोगे आगे बेटा फाइनल अकाउंट एक चैप्टर आएगा ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव एक दो अलग अलग चीजें तो मैं जब फाइनल अकाउंट बनाता हूं तो ट्रेडिंग पीएड बनता है उसमें भी डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव पी अकाउंट में अलग बताता हूँ मत बोलेंगे सर कौन सी बातें करे पी एन सुनो बेटे कुछ नहीं होता अब ध्यान से आप मेरी बात सुनो मैंने कहा कि डिस्काउंट अलाउड एक अलग चीज है डिस्काउंट रिसीव्ड एक अलग चीज है तो डिस्काउंट अलाउ मतलब हमने किसी को अलाउ करे डिस्काउंट और डिस्काउंट रिसीव मतलब किसी ने हमको डिस्काउंट दिया अब एक एक्सपेंस एक्सपेंसिव इनकम है अगर मैं नेट इफेक्ट ले लू और मैं कहूँ और डिस्काउंट अलाउ जो किया वो 50 है तो बैलेंस तो 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 लिखू तो बैलेंस बचता वैसा लगेगा कि भाई साहब इनका पांच ही डिस्काउंट है बस है ना पांच ही डिस्काउंट लेकिन ऐसी बात नहीं बेटा हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज्यादा होना और क्लियर होना ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन प्रॉपर होना तो को अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है कि मैं इनको बैलेंसिंग ना करूं और ये जो डिस्काउंट कॉलम है बेटा आपका डिस्काउंट का जो 50 है आपका उस पचास को क्या करूं मैं वो डिस्काउंट जो फिफ्टी रुपीज है तो वो फिफ्टी को मैं क्या करूं मैं फिफ्टी को बोलू जो डिस्काउंट का मेरा फिफ्टी रुपीज है अलाउड वाला उसको मैं डिस्काउंट अकाउंट अब लेजर वाली स्टेज पे जब जाएंगे जब आप वहां पे देखोगे ये टोटल को हम डिस्काउंट लेजर वाली स्टेज में पचास डिस्काउंट अलाउड अकाउंट दो अलग अलग अकाउंट बनाता हूं एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लेजर वाली स्टेज में बनेगा आप देखोगे जब हम लेजर वाली स्टेज पे जाओगे एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और एक कौन सा बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट दो अकाउंट में वहां पे बनाऊंगा और ये जो टोटल है पचास मैं वहां पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में लिखूंगा और डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में लिखूंगा तो दो अलग अलग अकाउंट बनाऊंगा क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए बच्चों मेरे को इन्फॉर्मेशन अलग, अलग अलग चाहिए कि अलाउड कितना है और रिसीव्ड कितना है मुझे इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए बच्चों अलग अलग इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए अगर मैं इसका नेट इफेक्ट दे दूं तो मेरे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो सर बोलेंगे कैश का क्यों दे दी बेटा कैश तो एक रियल अकाउंट है उसमें कितना कैश बचा हुआ है बस हमको वो देखना है ठीक है कितना कैश बचा हुआ है हमारे पास सिर्फ हमको वो देखना है लेकिन डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिव ये नॉमिनल अकाउंट है हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे कि हमने कितना डिस्काउंट और कितना डिस्काउंट रिसीव कर तो इसकी बैलेंसिंग नहीं करना बस टोटल लिख के छोड़ देना इतने कैश बुक में सिर्फ टोटल लिख के इसको हम छोड़ देंगे लेकिन जब हम लोग जाएंगे लेजर वाली स्टेज में तो मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा अभी हम रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे सिर्फ कैश बुक पे बेटा तो मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा कि किस तरीके से इन ट्रांजेक्शन को ये जो आपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे कैश बुक पे लिखे हो, किस तरीके से यहाँ से उठा के फिर लेजर वाली स्टेज पे लिखते जिसे पोस्टिंग कहते हैं ओके okay. जर्नल में से भी कैसे उठा के वहां पे पे लेजर वाली स्टेज लिखते हैं वो मैं, बात करूंगा तो ये आइटम जो डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड मैं आपको सिखाऊंगा मैं लेजर वाली स्टेज में किस तरीके से इन अकाउंट्स को यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से उठा के आप वहां पर लिखते आप अगर यहां पर देखोगे बच्चों आप यहाँ पे हम लोग सीखेंगे आगे चल के कि ये ये जर्नल ये जर्नल में से कैसे इन्फॉर्मेशन उठा के मैं यहाँ पे लिखूंगा ये कैश बुक में से कैसे इन्फॉर्मेशन उठा के मैं यहाँ पे लिखूंगा वो हम लेजर वाली स्टेज पे सीखेंगे तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ये लेजर वाली स्टेज पे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनेंगे दो अलग अलग और यहां से उठा के अपन टोटल उसकी उठा के यहाँ पे लिख देंगे और टोटल यहाँ पे उठाकर डिस्काउंट अलाउड की टोटल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में लिख देंगे टोटल डिस्काउंट रिसीव की टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में लिख देंगे लेकिन यहां पे हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन हमको फिर प्रॉपर नहीं मिलेगी हमको नेट इफेक्ट मिलेगा हमको नेट इफेक्ट नहीं देखना हमको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए अलाउड कितना और रिसीव कितना ओके okay. इतनी बात आप सबको समझ में आई बच्चों आप मुझे बताओ आप सबको इतनी बात समझ में आई बेटा क्या कहा मैंने आपसे ओके okay. जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चे आप सबको इतनी बात समझ में आई मैंने क्या कहा आपसे यस सर यस सर क्लियर है ओके बेटा ओके यस सर क्लियर है ठीक है ओके सो यहां पर हमने कौन सा क्वेश्चन किया हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर था ये हमारा फिफ्टीन ओके ओके आज आ, आ, किसी वजह से आज बेटा मैं सेशन थोड़ा सा छोटा ले रहा हूँ टू आवर्स का होता है लेकिन आज आप लोगों की कोई वजह से मैं क्लास थोड़ी सी जल्दी आप लोग का आज छुट्टी दे रहा हूँ ठीक है आज दो ही क्वेश्चन लेकिन कल हम लोगों के ये तीनों क्वेश्चन जो कैश बुक के हमारे हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन और क्वेश्चन नंबर एटीन ये तीनों क्वेश्चन कल करके हमारा कैश बुक खत्म हो जाएगा ओके okay? तो कोई वजह से आज का सेशन आप लोगों का जल्दी खत्म हो रहा है सो so, आज सिर्फ कुछ भी नहीं करना होमवर्क सेक्शन जो आपको कल मैंने होमवर्क दिया था वो होमवर्क आप लोग कंप्लीट करोगे और कैश बुक के जो होमवर्क आपको प्रैक्टिस माँ पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है कैश बुक के क्वेश्चन अभी नहीं करा मैं पूरा आपको पहले करा लू उसमें से तो फिर कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसके बाद ही आपको करना रहेगा एक चीज बेटा कोई बच्चे का डाउट आया था तो मैं बता वो डाउट आप लोगों का डाउट आप लोगों का कुछ इस तरीके से आया था कहा गया भाई एक सेकेंड हाँ डाउट कुछ इस तरीके से आया था एक सेकेंड एक से दो हजार रुपए का वो था परचेज उसमें से हमको दस परसेंट ट्रेड डिस्काउंट मिला तो इसका दस परसेंट होता है दो सौ फिर होता है अठारह सौ और फिर कैश डिस्काउंट है कितना एक मिनट में यहाँ पे रीड कर लेता हूँ

तो ऑलरेडी जब आपको पास में मिला वो जो गुड्स मिला तो आपको पता था कि मेरे को इतने में में मिला में मिला ही ऐसे ही ऐसे माने आपने क्योंकि आपको कम करके उसी वक्त मिला परचेस करते वक्त ही कम हो गया इसलिए पे पे आप इसको पे लिखते इसलिए आपने देखे सौ का ही परचेज बताया ट्रेड डिस्काउंट को लिखते नहीं वो बात अलग है अब आपने पेमेंट उसमें वन सेवन फाइव जीरो किया वैसे पेमेंट अर्ली पेमेंट करते अपन तो अपने को डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो हो सकता है कि भाई उसने उसने हमको कहा कि आप अगर अभी पेमेंट कर देते तो मैं आपको पचास रुपये डिस्काउंट दूंगा क्योंकि आप अर्ली पेमेंट कर लो तो उसने हमको बोला कि कैश डिस्काउंट पचास है तो मां फिफ्टी आए तो कैश डिस्काउंट को लिखते ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखते क्यों क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट स्पॉट पे जब ही मिलता है परचेस करते वक्त इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को लिखते नहीं बेसिकली कैश डिस्काउंट अर्ली पेमेंट या अर्ली रिसिप्ट के ऊपर होता है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे होता है इट्स ओके उसने बोला परचेस करते वक्त यहाँ पे फिफ्टी रुपीज का कैश डिस्काउंट तो वो दुकानदार ने बोला कि भाई ठीक है दो तो हो गया अब बल्क में ले रहे तो मैंने आपको दे दिया लेकिन अगर आप अभी पेमेंट करते हो तो मैं आपको पचास रुपये देता हूँ मैंने एक हफ्ते बात करूंगा तो बोले एक हफ्ते बाद अठारह सौ देना पड़ेगा अगर आप अभी दोगे तो मैं आपको पचास रुपया अर्ली पेमेंट के लिए दे देता डिस्काउंट 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 दिस इज कैश तो कैश तो को लिखना रहता है ट्रेड डिस्काउंट को लिखते नहीं इसीलिए यहाँ पे दो नहीं आया ओके ऐसे डाउट कुछ रहा तो आप भेजते रहा करो मेरा नंबर आप लोग के पास है जो डाउट वाला है व्हाट्सएप का उसमें आप आपके डाउट भेज सकते हो और मैं आपको रिप्लाई वहाँ करते जाऊंगा क्लास में भी आप पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे जवाब दूंगा आपको क्वेश्चन नंबर से तक होमवर्क दिया था कल मैंने अभी इनको आप करोगे आज कैश बुक का कुछ भी होमवर्क नहीं करना जो क्लास में करा उसको बच्चों करोगे और ये जो दो हो आपको जो क्वेश्चन नंबर आपको टू से लेके सिक्स तक उसको आप कंप्लीट करोगे तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते बेटा टेक केयर बाय बाय